बापू तेरे करके ना तेरा दिख लो गया तू सैकला ते कट्टी। सो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स की डायरेक्ट एंट्री रैली मीन्स डायरेक्ट बहाली आ चुकी है और वो कर्नाटक और उड़ीसा के स्टेट्स के लिए ही है। सिर्फ कर्नाटक और उड़ीसा के कैंडिडेट्स ही उस रैली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो गाइस, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने ये कमेंट किया था कि सर प्रोसीड्यूर क्या रहने वाला है, हम लोग उसमें उस रैली में कैसे जा सकते हैं, क्या ये जिस तरह रैली आती है इंडियन एयरफोर्स की डायरेक्टली वैसे ही ये रैली है। तो गाइस, मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि ये रैली थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि हर एक बार आपको जो रैली आती है वो आपको डायरेक्टली रैली पे के वेन्यू पे आपको जाना होता है, वहाँ पे फिजिकल देना होता है, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। लेकिन इस बार वैसा नहीं होगा, इस बार आपको सबसे पहले जो है आपको प्री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या है इसका प्रोसीड्यूर। तो सबसे पहले जैसे कि आप जाते हो अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ में, तो वहाँ पर आपको रैली के बारे में आपको लिखा गया है कि आपकी रैली जो है वो कर्नाटक और उड़ीसा के आई है। तो आप रैली जैसे ही देख सकते हो, ये है कर्नाटक, ठीक है, बेंगलोर कर्नाटक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या करवाना है आपको। तो रैली की मोड जो हो तो ऑफलाइन होगी, मीन्स एग्जामिनेशन मोड आपकी ऑफलाइन होगी, लेकिन आपको रैली पे जाने से पहले ये पढ़ सकते हो सबसे साइड में, ऑनलाइन प्री रजिस्ट्रेशन ऑफ द रैली स्टार्ट्स एट 11 आवर ऑन 8 सितंबर 2020 एंड विल बी क्लोज्ड एट 17 आवर ऑन 10 सितंबर 2020। मीन्स आपको 8 सितंबर को 11 AM से लेके 10 सितंबर 5 बजे तक, ठीक है, 5 बजे तक आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है, तभी आपको एडमिट कार्ड मिलेगी, तब आप उस रैली पे जा सकते हो, वरना आप रैली में नहीं जा सकते हो। तो आप ये रजिस्ट्रेशन नहीं भूलिएगा, जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, तो आप जैसे एक्स वाई ग्रुप की ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते थे वैसे ही आपको फिल करना है, अप्लाई ऑनलाइन में जाना है, और अप्लाई ऑनलाइन में जाके आप जैसे एक्स वाई ग्रुप की फॉर्म फिल करते थे वैसे ही आपको इस रैली के लिए भी फॉर्म फिल करना है। तो फिलहाल आपको ये अप्लाई ऑनलाइन में आपको कुछ भी खोलिएगा, अभी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसी तरह मिलेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर शेड्यूल टेस्ट फॉर एयरमैन रिक्वायरमेंट स्टार 1020 फॉर इनटेक हैज़ बीन क्लोज्ड। तो ये आपको अभी क्लोज्ड मिलेगा, लेकिन 8 सितंबर को 11 बजे से लेके आपका ये यहाँ पे ये खुल जाएगा, और इसी तरह आपको अप्लाई ऑनलाइन में जाके आप जैसे एक्स वाई ग्रुप की फॉर्म फिल करते थे वैसे ही आपको फॉर्म फिल कर लेना है। उसके बाद आपको 10 तारीख के बाद आपको एडमिट कर दी जाएगी और आपको डेट दिया जाएगा, एक डेट अलॉट किया जाएगा कि 23 से लेके 4 अक्टूबर के बीच में आपको एक डेट अलॉट किया जाएगा, आपको उसी डेट पे रैली वेन्यू पे पहुंचना है और आपको बाकी का रैली का प्रोसीड्यूर वहाँ पे आपका होगा। तो रैली का प्रोसीड्यूर अब क्या रहने वाला है, चलिए उस पे हम थोड़ा सा नज़र डाल देते हैं कि क्या है रैली का प्रोसीड्यूर। तो जैसे ही आप, ये रहा एयरफोर्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो उन्होंने जारी किया इस रैली से रिलेटेड, तो आप ये देख सकते हो सबसे ऊपर में कि ये कर्नाटक की रैली के बारे में है और उड़ीसा की भी रैली के बारे में, ये सेम नोटिफिकेशन है, सिर्फ यहाँ पे ये कर्नाटक लिखा हुआ, आप उड़ीसा लिखा हुआ रहेगा। तो ठीक, इसका प्रोसीड्यूर क्या रहने वाला, तो आप जैसे ही फॉर्म फिल करोगे उसके बाद सबसे पहले जो एक्टिविटीज़ क्या है वो देख सकते हो आप, 23 तारीख से 26 के बीच में सबसे पहले आपकी फ़िज़िकल फिटनेस टेस्ट होगी, उसके बाद रिटर्न टेस्ट है, फिर एडेप्टेबिलिटी 1 और 2, ठीक है। उसके बाद जो कैंडिडेट्स यहाँ तक मतलब वहाँ तक क्वालिफाई कर जाएंगे उन्हें मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो ये प्रोसीड्यूर है। तो इसमें अब क्या होगी, तो आप जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो अप्रॉक्सीमेटली पर डे आपको 150 कैंडिडेट्स को बुलाई जाएगी, 150 कैंडिडेट्स को ही वहाँ पे जाना है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ये लिखा हुआ है कि अप्रॉक्स 150 कैंडिडेट्स ईच डे। तो 3 दिन ये रैली होगी आपकी, 23 से 26 के बीच में, 27 से 28 के बीच में और 3 से 4 के बीच में। तो ये 3 दिन जो ये रैली है, 3 दिन रैली, और आपको अप्रॉक्सीमेटली 150 कैंडिडेट्स ईच डे बोला गया, तो 450 कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड दी जाएगी रैली के लिए। तो रैली के लिए मात्र 450 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगी और उन 450 कैंडिडेट्स में ही आपकी कंपटीशन होने वाली है एक्स ग्रुप की, इस इन जो जो सीट अभी आई है उन सीट के लिए। तो आपको इसमें मेरिट के बेसिक पे बुलाया जाएगी, जिसका नंबर ज़्यादा है 12th में उन्हें पहले एडमिट कार्ड मिलेगी, अगर आपका नंबर कम है तो आपको हो सकता है कि एडमिट कार्ड ना मिले। तो गाइज़, फॉर्म आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लीजिएगा, आपकी एडमिट कार्ड आए या नहीं आए तो बाद की बात है, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लेना है, क्योंकि हो सकती है कि आपकी एडमिट कार्ड आ जाए, तो आप इस मौका को छोड़िएगा नहीं, आप अपने रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द जैसे ही शुरू होती है आप करवा लीजिएगा। उसके बाद की प्रोसीड्यूर आपको मैंने बता दिया कि फ़िज़िकल होगी, फिर रिटर्न होगी और 81, 82 होगी, उसके बाद मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो मेडिकल आपकी कब होगी, जो कैंडिडेट्स यहाँ से क्वालिफाई कर जाएंगे उनकी मेडिकल जो है वो
आपकी अक्टूबर के मंथ में होने वाली है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई एडेप्टेबिलिटी टेस्ट टू शैल बी मेडिकली एग्जामिन्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020। ये रहा अक्टूबर मंथ में आपकी मेडिकल टेस्ट होगी, और अक्टूबर मंथ में मेडिकल टेस्ट होगी उसी मंथ में आपको PSL जारी कर दी जाएगी। लास्ट में आप ये भी देख सकते हो कि पब्लिशिंग ऑफ PSL में भी लिखा गया है कि 31 अक्टूबर 2020 को आपकी PSL जारी कर दी जाएगी, और PSL जारी करने के बाद आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 मंथ में आपको मेन मेरिट मीन्स जो है इनरोलमेंट लिस्ट वो भी जारी कर दी जाती है एयरफोर्स की तरफ से। तो आपको इस रैली में जो है आपकी ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाले, इंडियन एयरफोर्स जो है वो सुपर फास्ट मोड में इस रैली को ले जाने वाले हैं। मीन्स सितंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद अक्टूबर में मेडिकल, फिर अक्टूबर में ही PSL, और 1-2 महीने के अंदर आपको इनरोलमेंट लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। तो गाइज इस वीडियो में मैं आप लोगों तक इतना ही इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहता था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।